फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 10 इनवर्स 10x का ग्राफ ड्रॉ करने सीखेंगे। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये थर्ड पार्ट है एक प्रकार से, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो इसमें इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, इसके लिए सिंपल ग्राफ का यूज करेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और इतना इज इक्वल टू इसका एक्सपेंशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद इतना होता है। ये कब होता है, जब x का इंटरवल यहाँ से यहाँ तक हो। ये तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, बट इसको समझ में कहाँ से आएगा, ग्राफ के थ्रू। ग्राफ के थ्रू ये आसानी से समझ में आ सकता है, और इसके लिए एक मैथमेटिकल प्रूफ लास्ट में है। तो देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। तो देखिए इस ग्राफ को, ये आपका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ है ये। तो ये y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ इसी कारण ड्रॉ किए क्योंकि हमको 10 इनवर्स 10x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके अंदर 10x आ रहा है, इसी कारण 10x का ग्राफ ड्रॉ किए। और इसके कंपैरिजन से इसका ग्राफ को स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है, इसी कारण इसका ग्राफ ड्रॉ किए हैं। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ का स्टडी करते हैं, उसके बाद सिमिलर ग्राफ जा रहा है, तो सिमिलर ग्राफ यहाँ पर भी जाएगा। तो सिमिलर देखिए, यहाँ पर अगर ये माइनस पाई बाई टू रहता है तो ये क्या वैल्यू देगा, अगर x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू देगा, माइनस इन्फिनिटी। यानी x का वैल्यू माइनस पाई बाई टू पुट करने पर ये माइनस इन्फिनिटी देता है, और टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या कर देगा, एंगल में फिर बदल देगा, तो उसका आउटपुट कितना होगा, माइनस पाई बाई टू। यानी माइनस पाई बाई टू पुट करने पर माइनस पाई बाई टू मिलता है। इसी कारण इस पॉइंट से जाते हुए उसी तरह जब हम पाई बाई टू पुट करेंगे तो ये मेरा आंसर देगा इन्फिनाइट। लेकिन जब ये इन्फिनाइट, यहाँ 10 इनवर्स इन्फिनाइट होगा, इसका वैल्यू जब इन्फिनाइट रखाएगा तो ये पाई बाई टू हो जाएगा। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। उसी तरह यहाँ इस पॉइंट का निकालिएगा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, हर एक पॉइंट हर एक कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इसी कारण स्ट्रेट लाइन होता है। उसी तरह जीरो रखिएगा यहाँ पर तो ये जीरो देगा, और 10 इनवर्स जीरो जीरो होता है। इस तरह ये एक स्ट्रेट लाइन, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ का स्टडी कीजिएगा तो जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, जस्ट लाइन स्ट्रेट लाइन। उसी तरह इधर भी, उसी तरह इधर भी। अब बात आता है क्या यहाँ पे ओपन और यहाँ पे ओपन क्यों दिए हैं, ये यहाँ पे क्लोज नहीं है। क्लोज यानी ये डिसकन्टिन्यूस है पाई बाई टू पर, थ्री पाई बाई टू पर, और मल्टीपल्स ऑफ जितना भी पाई बाई टू है सारे पाई बाई टू पर, ये क्या है, और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पर ओपन है। क्यों ओपन है, क्योंकि एक्चुअल में 10x डिफाइन नहीं है पाई बाई टू पर। 10x अगर डिफाइन नहीं रहेगा पाई बाई टू पर तो 10 इनवर्स 10x कैसे डिफाइंड रहेगा, इसी कारण यहाँ पर भी ओपन दिए हैं। क्योंकि इस वैल्यू पर जैसे ही माइनस इन्फिनिटी जाता है उसी तरह प्लस इन्फिनिटी जाता है एक छोर पे, इसी कारण यहाँ पर ये ओपन। आप इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालना है, तो इस लाइन का इक्वेशन ऑलवेज याद रखिएगा, इसका स्लोप 1 होता है, ये 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री। हर एक लाइन जितना भी अभी तक पढ़े हैं सारा 45 डिग्री पर होता है। तो आपको ये पॉइंट पता है किस एक्स एक्सिस के किस पॉइंट से जा रहा है और स्लोप पता है, तो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसी तरह ये पॉइंट पता है पाई कोमा जीरो, स्लोप पता है, तो ये इसका इक्वेशन निकाल लेंगे, इसका इक्वेशन। और ये आपको बहुत हेल्प होने वाला है, इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर अगर दे दिया जाए तो उस पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अब इसका अगर एक मैथमेटिकल प्रूफ देखें तो यहाँ पर मैथमेटिकल प्रूफ देख सकते हैं आप। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ है, ये मेरा एक्स का रेंज दिया हुआ है, तो एक्स का रेंज दिया हुआ है, सिंपली हम क्या कर दिए, दोनों तरफ माइनस एन पाई बाय एन पाई प्लस एक्स जोड़ दिए। इससे क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन होगा, इसका जो वैल्यू लाए होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लाए होगा। और हम जानते हैं 10 माइनस एन पाई प्लस एक्स क्या होता है, 10x के बराबर होता है। तो 10 को इस साइड में, इसको इधर इस साइड में लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 10x, तो माइनस एन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू इतना हो गया। यानी हम कह सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू ये होगा और ये होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 इनवर्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये इसके बराबर है, और इसका रेंज पहले से यहाँ से डिफाइन किया हुआ है इतना से इतना, यानी मेरा ये प्रूफ सही है। और ये एक प्रकार का पीरियोडिक फंक्शन भी है। पीरियोडिक फंक्शन क्यों है, देखिए ध्यान से, यानी अगर हम इसी को पाई इंटरवल आगे बढ़ा देते ये मिल जाएगा, इसी को पाई इंटरवल आगे बढ़ा देते ये, यानी इसको हर एक को पाई इंटरवल, देख रहे हैं पाई इंटरवल के बाद
माइनस पाई बाई टू से पाई, कितना लेंथ है, पाई है, पाई इंटरवल के बाद जस्ट लाइक ग्राफ रिपीट हो रहा है, इसी कारण ये पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब सेम टाइप का ग्राफ रिपीट हो रहा है। जैसे 10x भी पीरियोडिक फंक्शन है पाई का, उसी तरह ये भी पाई का पीरियोडिक फंक्शन है। तो साइन और पाई का कॉट इन्वर्स x भी पढ़िएगा तो वे भी पाई का ही पीरियोडिक फंक्शन है। साइन इन्वर्स साइन x और कॉसेक इन्वर्स कॉसेक x, ये भी ये 2π का इंटरवल होता है, इसका पीरियोडिक इंटरवल 2π पीरियड होता है इसका। उसी तरह कॉस इन्वर्स कॉस एक्स और सेक इन्वर्स सेक्स एक्स का 2π पीरियड होता है। तो ये दोनों हम उस ग्राफ में नहीं बताए थे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही हो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। Don't forget to like, share and comment.